नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने कर लिया पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम शुरू करेंगे पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है 15, 16, 17 और 18 ग्रुप ऑलरेडी बोरोन और कार्बन 15 हमने किया हुआ है। तो इसमें हम पी ब्लॉक में जो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कर लेते हैं हाइड्राइड का मतलब हो गया कंपाउंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। 15th ग्रुप 18 तो बढ़ाता ही नहीं है, 17, 16, 15, हालांकि कंपेरिजन करने के लिए मैं 14 ग्रुप में लिख देता हूं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सोडियम, रेडियो एक्टिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडेनाइन को छोड़िए रेडियो एक्टिव। हाइड्राइड कंपाउंड विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म MH4 टाइप हाइड्राइड, फोर। हालांकि ऑलरेडी हमने कार्बन फैमिली में क्या था कि कार्बन सीरीज ऑफ हाइड्राइड बनाता है, AN9, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये दैट मेक MH3। पंद्रह, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है दे मेक हाइड्राइड, दे मेक कंपाउंड विद हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। 15, 16, 17 ग्रुप के जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड जो बनाएंगे वो ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाएंगे। ये बात आप हर जगह लागू कर सकते हो 15, 16, 17 ग्रुप। जैसे 15 ग्रुप में 15 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है, NH2, NB3। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी में आगे डी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल अगर होता है तो एक एक्साइटेशन पॉसिबल है, 5 बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में तो चलो डी ऑर्बिटल है नहीं। इसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सब में तो डी ऑर्बिटल है, फिर भी हाइड्रोजन सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही बनेंगे, तो सिर्फ MH3 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बॉन्ड बना सकता है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही सेंट्रल एटम को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाइड्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना पाए। मेन बात यह है कि 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ में ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाएंगे। ऑक्साइड एक्साइटेड स्टेट में बन जाएंगे, हैलाइड्स बन जाएंगे, हाइड्राइड नहीं बनेंगे, बिकॉज रीजन सीधा यह कह सकते हो कि हाइड्रोजन इज नॉट सो इलेक्ट्रो नेगेटिव, और दूसरा आप कह सकते हो हाइड्रोजन इज नॉट ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 16 ग्रुप की, 16 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है, NH2, NP2। अगर 15 ग्रुप की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3। एक लोन पेयर, तीन बोन पेयर, एक लोन पेयर, तीन बोन पेयर, पिरामिडल से। यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पे एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बन जाता है और यहां टेट्राहेड्रल शेप।
16 ग्रुप में हो जाते हैं तो ये बन जाता है NH2 NP4 NH2 NP4 ग्राउंड स्टेट में सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो दो ही बॉन्ड बनेंगे तो यहां पे MH2 टाइप के हाइब्रिड बनेंगे H2O H2S H2 सेलेनियम H2 टेलेनियम पोलोनियम का बनता है और रेडियो एक्टिव इसे छोड़ दिया। हाइब्रिडाइजेशन यहां पे भी SP2 ही है लेकिन यहां पे दो लोन पेयर है तो बैंड से वी से ये पिरामिडल से और ये टेट्राहेड्रल से सारा कुछ बॉन्डिंग में किया हुआ है। 17 ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है NH2NP5 क्लोरीन में तो डी ऑर्बिटल है नहीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डी ऑर्बिटल है लेकिन फिर भी एक्साइटेशन नहीं होगा हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड बनेगा तो MH टाइप के हाइड्राइड बनेंगे HF HCl HBr HA हाइब्रिडाइजेशन यहां पे SP3 है भाई SP3 लेकिन यहां पे तीन लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है ये सब हाइड्राइड है SP3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सभी में टेट्राहेड्रल है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सभी में SP3 है शेप अलग अलग है 14 ग्रुप के हाइड्राइड की शेप है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 का और 15 ग्रुप के हाइड्राइड का शेप है पिरामिडल 16 ग्रुप में है बेंड से वी से बेंड से और 17 ग्रुप में तो एक ही बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड एंगल का कोई चक्कर नहीं है। अब इन हाइड्राइड की देखिए अलग अलग प्रॉपर्टी देखिए ये तो थी इनकी हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला सेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। 15वें ग्रुप के जो हाइड्राइड है अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी क्यों कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ सभी हाइड्राइड में ऐसा नहीं कि यही है आपने अल्कली मेटल के हाइड्राइड किए थे अर्थ मेटल के हाइड्राइड किए थे बोरोन कार्बन फैमिली के हाइड्राइड किए थे सभी के हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और जब थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी तो रिडक्शन पावर रिडक्शन पावर इंक्रीज डाउन द ग्रुप आप कर सकते हो इनको रेंज 15 ग्रुप में अगर आप बात करते हो तो 15 ग्रुप में अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन देन आर्सेनिक देन एंटीमोनी हाइड्राइड देन बिस्मिथ हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और सबसे कम स्टेबल बिस्मिथ का हाइड्राइड है और रिडक्शन पावर रिवर्स हो जाएगी रिडक्शन पावर में बिस्मिथ का हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्ग है फिर एंटीमनी आर्सेनिक और फॉस्फीन और अमोनिया सबसे जो सबसे लेस स्टेबल है वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट और ये सब हाइड्राइड 14 ग्रुप से कम स्टेबल है ज्यादा स्टेबल अल्कली मेटल से ज्यादा स्टेबल अर्थ मेटल के हाइड्राइड है उससे ज्यादा स्टेबल बोरोन ग्रुप के हैं उससे ज्यादा स्टेबल कार्बन ग्रुप के हैं तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपस में नहीं है बॉन्ड लेंथ का भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं हालांकि पोलरिटी का रोल बढ़ जाता है पोलरिटी तो रिडक्शन पावर की बात हमने कर ली थर्मल स्टेबिलिटी की बात यहां पे होगी हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल ये भी एक कॉन्सेप्ट आप देखिए समझिए बॉन्ड एंगल सभी में देखो अगर हम बॉन्ड एंगल को समझे एक बार CH4
CH4 से हम नीचे आ गए सिलिकॉन 4 में, सीलेन में। तो जब हम कार्बन से सिलिकॉन में आए हैं तो सेंट्रल जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। एज वी मूव डाउन द ग्रुप कार्बन टू लेड और नाइट्रोजन टू बिस्मिथ और हाइड्रोजन टू लेड पोलोनियम और क्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज। जब हम कार्बन से सिलिकॉन में आए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ गया, तो शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन था जहां भी था वो कार्बन और हाइड्रोजन में जहां भी था, अब कार्बन की बजाय सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम, कार्बन की बजाय सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया यानी कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये थोड़ा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ खींच रहा था अब वो थोड़ा दूर हो गया, नीचे जाएगा और दूर हो जाएगा, लेकिन उससे बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? पहले ये बॉन्ड पेयर सारी रिपल्सन बॉन्ड पेयर थी, अभी भी बॉन्ड पेयर सारी रिपल्सन अभी भी क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो जितनी रिपल्सन ये कम हुई है उतनी ये कम हुई है, उतनी ये कम हुई है, उतनी ये कम हुई है, तो बॉन्ड एंगल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो बॉन्ड एंगल यहां पे है वही बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि बॉन्ड एंगल 14 ग्रुप के हाइड्रेट में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ। अब यही बात है 15 ग्रुप नाइट्रोजन के हाइड्रेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 8 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर शेयर्ड है हाइड्रोजन और इसमें। अब जब नीचे फॉस्फोरस में आए तो सेम वही अभी भी, अब नाइट्रोजन की बजाय जो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन की बजाय जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। एज यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज का मतलब हुआ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर चला गया। या तो चारों ही पेयर दूर शिफ्ट हो गए थे, यहां क्या हुआ लोन पेयर तो कहां है, जिस भी एटम का लोन पेयर है उसके वैलेंस सेल में, और बॉन्ड बेस लोन पेयर यहां भी इसके वैलेंस सेल में था, यहां भी इसके वैलेंस सेल में है, लेकिन बॉन्ड पेयर दूर शिफ्ट हो गए, लोन पेयर तो पहले भी जो भी एटम था उसके लास्ट सेल में था, अभी भी उसके लास्ट सेल में है, लेकिन बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर चला गया। और जब बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर चला जाएगा तो जो ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो जाएगी, बॉन्ड पेयर रिपल्सन रिड्यूस। और जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो गई तो लोन पेयर इसको नीचे की तरफ पुश कर देगा। पहले बताया था आपको कि जैसे मान लिया ये और ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, जब इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन कम हो जाएगी तो लोन पेयर इसको नीचे की तरफ यूं पुश कर देगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम। पहले मान लिया बॉन्ड एंगल ये था, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर यहां थे, यहां और यहां रिपल्सन ज्यादा थी तो बैलेंस हो रहा था, अब ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गए यहां आ गया तो इसमें रिपल्सन कम होगी तो ऊपर से ऐसे दबा देगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, किसकी, सेंट्रल एटम की, हाइड्रोजन तो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, एंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज द बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर चला गया, सो बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिक्रीज, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीज, या चेंज नहीं हुआ था या कम होगा, तो डाउन द ग्रुप हम जब आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 15 ग्रुप में, वही बात 16 ग्रुप के हाइड्रेट में होगी।
वाटर H2S, जब ऑक्सीजन से सल्फर में आया है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू सल्फर, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से सल्फर में आया है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ड्यू टू दैट बॉन्ड पेयर पर्सन डिक्रीज, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो सोलर ग्रुप में भी जब हम आइडेंटिटी आएंगे तो बॉन्ड एंगल, पहली बात तो यहाँ पे sp3 एब्रेशन है, बॉन्ड एंगल यहाँ 109.5 होना चाहिए और 109.5 ही है, यहाँ पे 109.5 से कम है, और कम का रीजन क्या है, लोन पेयर यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 109.5, यहाँ 106 या 107 के लगभग है, 106.5 कम हो गया, 102 से कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर, यहां तो और कम हो जाता है 93 या 94 के लगभग हो जाता है, यहां और भी कम है 104.5, यहां पे सारे बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर्सन ज्यादा है, बॉन्ड पेयर से एंगल कम हो गया, या दो लोन पेयर आ गए एंगल और कम हो गया, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, और यहां पे तो और भी कम हो जाएगा, तो 14 ग्रुप के एडाइड में आएंगे बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, 15 ग्रुप के एडाइड में नीचे की तरफ आएंगे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 16 ग्रुप में आएंगे तो भी कम होगा, और 17 ग्रुप में तो बॉन्ड एंगल का कोई चक्कर है ही नहीं, 17 ग्रुप में तो सिर्फ एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो वहां पे कोई बॉन्ड एंगल आई नहीं, बॉन्ड एंगल तो जब हो जब कम से कम दो बॉन्ड, ये तो लीनियर ही है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये था इनके आइडेंटिटी, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल विद रीजन। रीजन क्या होता है, आपने रीजन बताया, एज यू गो डाउन द रोड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, सो बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ड्यू टू दैट बॉन्ड पेयर रिपल्शन रिड्यूस, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द रोड, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया, देन फॉस्फेट, देन आर्सेनिक, एंटीमनी हाइड्राइड एंड डिस्टाइड, 106.5, 107 ले लेते हैं, ये कम है और कम है, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा। 16 ग्रुप के हाइड्राइड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाटर का है, H2S में कम हो जाता है, सेलेनियम के हाइड्राइड में और कम हो जाता है, और टेलुरियम के हाइड्राइड में और कम हो जाता है। ये आपका 104.5 है, 92 के लगभग, ऐसे डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, रीजन मैंने उसका आपको बता दिया कि भाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देन चौथा आपका है बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दिस हाइड्राइड, चाहे आपके 14 ग्रुप के हाइड्राइड है चाहे 17 ग्रुप के हाइड्राइड है, ऑल ऑफ दे आर कोलेंट हाइड्राइड है। कोलेंट हाइड्राइड का क्या मतलब, यानी कि कोलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फ्लोरिन जो भी एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, सो दे हैव कोवलेंट कैरेक्टर। अल्कली मेटल और अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड बनते हैं वो आयनिक हाइड्राइड है, डी ब्लॉक के जो हाइड्राइड है वो इंटरस्टीशियल हाइड्राइड है, और पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड है वो कोवलेंट हाइड्राइड है, और कोवलेंट कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिसाइड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहां पे
वन अराउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 15 ग्रुप में अगर हम देखें तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन पे अटैच है तो उस टाइम पे जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में है, बाकी मेंबर में नहीं है। वाटर में है, बाकी मेंबर में नहीं है। एचएफ में है, बाकी मेंबर में नहीं है। तो सिर्फ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा अमोनिया का होना चाहिए, 16 में वाटर का होना चाहिए, 17 में एचएफ का होना चाहिए। लेकिन अगर वन अराउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो जैसे जैसे हम डाउन डाउन तक मूव करेंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो वन अराउंड अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वन अराउंड अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वन अराउंड अट्रैक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लास्ट मेंबर का होना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या है बॉइलिंग पॉइंट? 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बिस्मिथिंग, फिर अमोनिया का है। सबसे ज्यादा बिस्मिथिंग का ही होना चाहिए, वाटर रिएक्शन ज्यादा है सबसे। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसके बाद आपका SnS3 और आर्सेनिक का और फॉस्फोरस। तो ये एक्सेप्शन किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 16 ग्रुप में सबसे ज्यादा वाटर का है, 16 ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का है। होना किसका चाहिए था? हाइड्रोजन टेल्यूरियम, टेल्यूरियम की हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होना चाहिए वन बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी थी लेकिन ये थोड़ी वीक है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो ज्यादा ट्रेंड आपका होगा पोलोनियम का, दिखा नहीं हमने, पोलोनियम लिखते तो हो गया था H2। पोलोनियम भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो टेलोनियम बन जाएगा, फिर से फर्स्ट मेंबर का सबसे ज्यादा और सेकंड मेंबर का सबसे कम। सेकंड मेंबर का सबसे कम क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, हैव पुअर वन अराउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट का सबसे ज्यादा क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरे 16 ग्रुप में भी देखें तो सबसे ज्यादा HF, फिर HI, फिर HCl, HBr और फिर HCl। हालांकि ये सारे गैसेस हैं लेकिन HI का सबसे, HF लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सारे गैस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, ये तो था बॉन्ड एंगल की बात है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें इनमें आपस में, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, यहां पुअर है या स्ट्रॉन्ग, और वहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए किसका? HF का, फिर वाटर का, फिर अमोनिया का और फिर मीथेन। मीथेन से ज्यादा अमोनिया में, क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर वाटर और फिर HF। बल्कि ये जनरल होना चाहिए लेकिन है ऐसा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रॉन्ग HF की है, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, फिर OH, फिर NH, CH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। लेकिन वाटर का HF जो है वो लीनियर शेप का है। HF का अगर आप देखोगे तो एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है HF में। HF में अगर आप देखोगे ऐसे, यो एक जो मॉलिक्यूल्स है वो दो मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन वाटर में एक मॉलिक्यूल्स चार मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, टेट्राहेड्रल ऑरेंज है, एक ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स के साथ,
और एक एक हाइड्रोजन एक एक मोल के वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो तरीका है वो ऐसे होता है, दो तो ये हाइड्रोजन किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है और दो ये मॉलिक्यूल के साथ, तो ये वाली ऑक्सीजन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है और एक एक मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन, कुल मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, लेकिन HF का एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है, दैट इज व्हाई वाटर हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन HR। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की है लेकिन अमाउंट ज्यादा वाटर में है, बाकी डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जनरल लेंथ तो आप यही कहोगे कि HF को डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज इंक्रीज वन वॉल अट्रैक्शन इंक्रीज, लेकिन फर्स्ट मेंबर जो है उसका एक्सेप्शनल केस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या 14 ग्रुप में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब हम आते हैं एसिडिक रिएक्टर, एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर, बेसिक कर लेते हैं, बेसिक 15th ग्रुप हाइड्राइड आर लैबिस बेस, 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड है वो बेस है ड्यू टू लोन पेयर। हालांकि वहां पे देखो दोनों बातें, अगर हम अमोनिया भी देखें तो लोन पेयर भी है और NH बॉन्ड पोलर भी है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो NH बॉन्ड पोलर भी है और NH बॉन्ड पोलर है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हुआ एसिडिक करेक्टर, एंड मोर विल बी द पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर। वाटर ऑल्सो हैव लोन पेयर एंड द बॉन्ड इज पोलर, HF अल्फा हैव लोन पेयर, तो अगर हम देखें नाइट्रोजन हैव लोन पेयर इन अमोनिया, ऑक्सीजन हैव लोन पेयर इन वाटर एंड HF आल्सो हैव, फ्लोरीन आल्सो हैव लोन पेयर, और लोन पेयर अगर होगा तो लेविस बेस होगा, लेकिन नाइट्रोजन लोन पेयर इजीली डोनेट कर देता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और एज कंपेयर टू फ्लोरीन तो करता ही नहीं, और ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो यह रीजन क्या है, यह रीजन है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करोगे विच वन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन तीनों, वैसे नाइट्रोजन की गिनती मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आती है लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इजीली डोनेट द लोन पेयर, सो अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर देन HF। अब अगर आप एसिडिक करेक्टर की बात करें तो एसिडिक करेक्टर का मतलब हुआ पोलर, H पॉजिटिव, NH बॉन्ड भी पोलर है, OH बॉन्ड भी पोलर है और HF बॉन्ड भी पोलर है, कौन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, HF, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव HF, तो कुल मिला के बात क्या हुई कि बेसिक करेक्टर तो अमोनिया का ज्यादा है और एसिडिक करेक्टर HF का ज्यादा है। मीथेन अमोनिया वाटर, मीथेन तो ना एसिडिक है ना बेसिक है, एच पॉजिटिव देता नहीं है, लोन पेयर है नहीं, तो इसको तो छोड़ो, 15, 16, 17 ग्रुप में बेसिक करेक्टर अमोनिया का ज्यादा है, एसिडिक करेक्टर HF का ज्यादा है, बेसिक करेक्टर फॉस्फिन का ज्यादा है, एसिडिक करेक्टर HCl, बेसिक ये ज्यादा है, एसिडिक ये ज्यादा है, तो जब इधर जा रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर तो बढ़ रहा है और बेसिक करेक्टर हो रहा है कम, डाउन द ग्रुप बेसिक हो रहा है कम और एसिडिक हो रहा है ज्यादा। देखिए जैसे जैसे नीचे आएंगे भाई, व्हाई दे आर बेस,
because they have lone pair, because they have they are electron richer. और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक वेक्टर होगा. नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, फास्फोरस पे, आर्सेनिक पे, एंटीमनी पे, एरिथ्रेट पे. छोटा साइज है नाइट्रोजन, फास्फोरस का साइज बड़ा हो गया, आर्सेनिक का और बड़ा हो गया. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, पेयर तो एक ही है, एक ही पेयर नाइट्रोजन पे, वही फास्फोरस पे, और आर्सेनिक और एंटीमनी और इसमें नंबर ऑफ पेयर तो सेम है. पेयर से बात नहीं बनती, पेयर तो इधर आते हैं तो दो हो जाते हैं और एक्सेप्ट में आते हैं तो तीन हो जाते हैं, लेकिन डोनेट तो नहीं हो रहा. ऐसे ही जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो पेयर तो सेम है, डेंसिटी कम हो रही है. एक तो छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एक बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो. एच पॉजिटिव को कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा, वो बढ़िया बेस होगा. एनएच थ्री और एक है पीएच थ्री. एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो बनता है एनएच फोर पॉजिटिव और ये बनता है पीएच फोर पॉजिटिव. एनएच फोर पॉजिटिव और पीएच फोर पॉजिटिव भी कौन ज्यादा स्टेबल है, एनएच फोर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल. नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, यही किया है कि हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज. तो नाइट्रोजन एच पॉजिटिव को जल्दी असर करेगा बजाय फॉस्फोरस. तो कौन बेस बढ़िया हुआ, अमोनिया बेस बढ़िया हुआ. तो नीचे की तरफ आएंगे तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, एज यू डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज. तो ये तो बेस ही कंसिडर नहीं करते हम, क्योंकि जब इधर से इधर आए तो कम हो गया और इसमें फिर नीचे की तरफ आए तो और कम हो गया. तो देयर ऑल्सो वाटर से भी पुअर बेस है, हम उनको बेस कंसिडर नहीं करते. तो 15 ग्रुप की हाइड्राइड को हम बेस कंसिडर करते हैं, 16-17 ग्रुप की हाइड्राइड को हम बेस कंसिडर नहीं करते, बिकॉज दे आर वीक बेस इवन देन वाटर. वाटर से भी वीक है तो फिर हम उनको कंसिडर नहीं करते. हाँ, 15 ग्रुप की हाइड्राइड बेसिक है और इनका बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा. इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, अमोनिया है, वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. तो आर ऑफ देयर वीक बेस एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर बेसिक करेक्टर डिक्रीज और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज. क्योंकि जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा. एक तो है एनएच बॉन्ड, एक है पीएच बॉन्ड, ऐसे एक है ओएच बॉन्ड, एक है एस एच बॉन्ड, एक है एच एफ बॉन्ड, एक है एच सी एल बॉन्ड. तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा. तो देखो लोन पेयर है इसलिए बेस है. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेप्सेंट एटम के साथ जुड़ा हुआ है. एक्स पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एसिडिक करेक्टर है. बेसिक करेक्टर ज्यादा कब होगा, जब ये एच पॉजिटिव को इजीली ले लेंगे. एसिडिक करेक्टर ज्यादा कब होगा, जब ये एच पॉजिटिव इजीली दे देंगे. तो एच पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी इनकी है, दे आर कंसिडर्ड एज बेस. इनकी टेंडेंसी है एच पॉजिटिव देने की. जल्दी कब देगा एच पॉजिटिव, जब बॉन्ड जल्दी टूटेगा. लेगा कब, जब जो बॉन्ड बना हो स्ट्रॉन्ग बना. तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं. 15th ग्रुप द हाइड्राइड आर लेस बेस एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन देन आर्सेनिक और बिस्पीन. तीन छोड़ दिया हमने बीच में, कोई बीच में रह जाता है तो कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल बात है कि हम नहीं. डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इनके हाइड्राइड का कम होगा. क्यों कम होगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा हूं, लोन पेयर तो है सभी पे एक एक ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है. छोटे साइज में लोन पेयर है तो वो एच पॉजिटिव को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा. नाइट्रोजन एच पॉजिटिव को जल्दी एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू बिस्मिथ. बिस्मिथ का तो पहले साइज बड़ा है. देन अगर कंपेयर करते हो वाटर का उसका, तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर देन एच. अमोनिया इज बेस
वाटर इज न्यूट्रल एंड HF इज एसिड, ये तो एसिड है, ये न्यूट्रल है और ये बेस। जैसे जैसे हम बच जाएंगे NH बॉन्ड की बजाय OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, HF बॉन्ड और भी ज्यादा पोलर है। यहां साइज की बात नहीं करेंगे, पहले भी आपने बताया कि 15, 16 और 17 ग्रुप में आपस में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, पोलरिटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो हम पोलरिटी के बेस पे करेंगे और डाउन का ग्रुप हम साइज के बेस पे करेंगे। तो पोलर HF ज्यादा है बजाय वाटर के, और मतलब बॉन्ड की पोलरिटी HF बॉन्ड OH बॉन्ड या NH। बेसिक करेक्टर HF का ज्यादा है, बेसिक करेक्टर अमोनिया का ज्यादा है। 16 एंड 17 ग्रुप, 16 एंड 17 ग्रुप हाइड्राइड आर एसिडिक। 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड है वो बेसिक नहीं है। वो बेसिक इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दे आर नॉट इजी टू डोनेट द लोन पेयर। हालांकि लगता यह है कि यहां एक पेयर है, दो है या तीन है, तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएंगे, पर दे आर नॉट बेस्ड बट दे आर एसिड। बात यह है कि एच पॉजिटिव लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो दे रिलीज एच पॉजिटिव एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज द एच पॉजिटिव इज मोर बिकॉज साइज मोर लेंथ। इधर आप एक्सप्लेन करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव के बेस पे, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन से, तो HF इज मोर एसिडिक देन वाटर देन अमोनिया। लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कर सकते हो, इसकी टेंडेंसी सबसे कम है डोनेट करने की और इसकी सबसे ज्यादा है, तो यहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बजाय साइज का डिफरेंस कम होगा, यहां आपस में साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड या जो भी एलिमेंट है दे आर नियरली सिमिलर साइज। तो ऐसे भी कैरेक्टर अगर हम 16, 17 में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं, हाँ बढ़ेगा तो वाटर सबसे कम, वाटर से ज्यादा एसिडिक है H2S। वाटर तो न्यूट्रल है, H2S वीक एसिड है, सेरेनियम वाला भी वीक है, टेलुरियम और पोलोनियम। जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। सेम HF से HF वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl से भी स्ट्रॉन्ग एसिड HBr है और HI उससे भी स्ट्रॉन्ग। हालांकि HCl, HBr, HI वाटर में अगर देखें तो तीनों ही 100% डिसोसिएट होते हैं। तो ये था आपका हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, सभी के हाइड्राइड को हमने एक साथ कंपेयर किया है। ऐसे नहीं है कि हम एक एक पहले हम सिर्फ 15 ग्रुप के हाइड्राइड करेंगे, वैसे मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की हाइड्राइड कर दी है। लिथियम ग्रुप के हाइड्राइड किए हमने, अल्कली मेटल के हाइड्राइड किए, अर्थ मेटल के और मेटल के अल्कली मेटल के हाइड्राइड किए, फिर बोरोन और कार्बन फैमिली के हाइड्राइड किए और अब आप इनके हाइड्राइड कर रहे हो। सभी हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सभी हाइड्राइड की डाउन द ग्रुप कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज। रिडक्शन पावर रिड्यूस, जो हाइड्राइड जितना कम स्टेबल होगा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। बॉन्ड एंगल 14 ग्रुप के हाइड्राइड में, तो भाई बॉन्ड एंगल की बात तो सिर्फ 15 और 16 ग्रुप के हाइड्राइड में आएगी, 17 के ग्रुप के हाइड्राइड में भी बॉन्ड एंगल का कोई चक्कर नहीं है और 18 का ग्रुप हाइड्राइड बढ़ाता ही नहीं है, 14 के ग्रुप के हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल चेंज होता नहीं है। तो 15 और 16 का जो हाइड्राइड है उनमें बॉन्ड एंगल डाउन का ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है वो आपके सामने है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड कोई भी हो, कोवलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो सकती है वन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हो सकती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन,
तो जो फर्स्ट मेंबर है आपके अमोनिया वाटर और एचएफ तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पुअर है, वाटर की स्ट्रॉन्ग है, एचएफ की और भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है। तो तीनों एक्सेप्शनल होंगे, बाकी फिर डाउन द ग्रुप आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? इंक्रीज इन वाटर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट मेंबर का ज्यादा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट मेंबर का ज्यादा क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थोड़ा सा, कुछ बुक में आपको अमोनिया यहां भी मिल जाएगा, टिन और स्मिथ इधर, आर्सेनिक यानी दोनों के बीच। बेसिक रिएक्टर 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड है वो बेस, 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड है वो बेसिक रिएक्टर के हैं, और 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड है वो एसिडिक रिएक्टर के हैं। बेसिक रिएक्टर लोन पेयर की वजह से है, एसिडिक रिएक्टर एच पॉजिटिव देने की वजह से। लोन पेयर है तो एच पॉजिटिव दे सकते हैं, एनएच मोर पोलर है तो एच पॉजिटिव दे सकते हैं। जितना इजीली एच पॉजिटिव देगा एसिडिक रिएक्टर ज्यादा होगा। तो अगर हम 15 से 16 में और 16 से 17 में जाएंगे तो एसिडिक रिएक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। ये एक्सप्लेनेशन आप करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो बेसिक रिएक्टर हो गया कम। अमोनिया ज्यादा बेसिक है, फिर वाटर और फिर अच्छा। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से एम एच बॉन्ड पोलर हो गया, और जितना एच पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही एसिडिक रिएक्टर ज्यादा। तो बेसिक तो अमोनिया ग्रुप ज्यादा है, एसिडिक 16 ज्यादा है अमोनिया वाले ग्रुप से, और 17 ग्रुप के ज्यादा और भी एसिडिक है, 16 ग्रुप के हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक नहीं है। डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो बेस, इधर हम देख रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज का रोल नहीं है क्योंकि 15 16 17 के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 15 16 17 में कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस पे कंपेयर करोगे, और डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज का रोल ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इजीली एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा बजाय इसके। तो डाउन द ग्रुप 15 ग्रुप में बेसिक रिएक्टर कम होगा, एसिडिक रिएक्टर बढ़ेगा। 16 17 में जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जल्दी बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे नहीं कहेंगे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अच्छा ज्यादा एसिडिक होगा, अच्छा हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 15 16 17 ग्रुप के हाइड्राइड को डाउन द ग्रुप आएंगे तो हम साइज के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे, चाहे फिर वो थर्मल स्टेबिलिटी हो, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, चाहे एसिडिक इफेक्ट। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे इनका जो एसिडिक और बेसिक करेक्टर। अमोनिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है, वाटर के बारे में तो आपने पढ़ाया हुआ है, वाटर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, और वाटर के कौन कौन से रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। अमोनिया एक यूजफुल केमिकल है जिसका रिएक्शन हम मेथोड प्रिपरेशन करेंगे, हैबर प्रोसेस से अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया का सबसे ज्यादा यूज है, जहां पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया जाता है, तो वो हम प्रिपरेशन में कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट द हाइड्राइड ऑफ 14, 15, 16, 17, पर्टिकुलरली 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड। हाइड्राइड का ये जो सीक्वेंस है ये आपको विद रीजन पता होना चाहिए। बॉन्ड एंगल वाले में एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन थे, बॉन्ड एंगल में एक तो हाइब्रिडाइजेशन का रोल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रोल है, और सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है। हाइब्रिडाइजेशन तो सभी के हाइड्राइड में sp3 है, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पे चार बॉन्ड पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन, तीन लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। तो जहां एक ही बॉन्ड पेयर है वहां बॉन्ड एंगल का कोई चक्कर,
यहाँ चारों के चारों में लोन पेयर है, लोन पेयर है नहीं, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन 15 और 16 के ग्रुप में एक लोन पेयर है, यहाँ दो लोन पेयर है। लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंसेप्ट ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से, तो बॉन्ड एंगल भी जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए, नॉर्मल ज्योमेट्री का होना चाहिए, उससे कम हो जाता है। जैसे मीथेन में 109.5 का है जो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल होना चाहिए, अमोनिया में कम हो जाता है 107 के लगभग हो जाता है, वाटर में और कम हो जाता है 104.5। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कम हो रहा है, यानी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बढ़ रहा है। और जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम से दूर शिफ्ट होगा। बॉन्ड पेयर इज शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज, और जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, लोन पेयर उसको ऊपर से पुश कर देगा। तो यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का, यहां सभी बराबर है क्योंकि यहां तो बॉन्ड पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर तो सारे बराबर शिफ्ट हो रहे हैं। यहां बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा अमोनिया का, यहाँ वाटर का, यहाँ बॉन्ड एंगल का चक्कर ही नहीं। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, रिडक्शन पावर, बॉन्ड एंगल, आपस में भी कंपेरिजन करोगे बॉन्ड एंगल का तो मीथेन, आपस में कंपेरिजन करोगे बॉन्ड एंगल का तो किसका ज्यादा है, मीथेन का ज्यादा होगा, फिर अमोनिया का, फिर वाटर का, और एच एफ में तो है नहीं। ये 109.5, ये 107 और 105, 104.5, तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है डाउन द ग्रुप, और उधर भी कम हो रहा है, और लॉन्ग पेयर की वजह से है, इधर सेंट्रल एटम दूर शिफ्ट हो रहा है इसलिए। सो दिस इज अबाउट हाइड्राइड, बेसिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, रिडक्शन पावर, इन सभी के सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एक एक हाइड्राइड नहीं किया मैंने सभी ग्रुप के जो हाइड्राइड है वो किए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्साइड, फिर हम सभी के ऑक्साइड करेंगे और फिर हम सभी के हैलाइड करेंगे। दिस इज अबाउट द हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप, 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप। 18th ग्रुप हाइड्राइड बनाता ही नहीं है, इसलिए उसको हमने नहीं किया। थैंक यू।